नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बड़वानी पुलिस ने पाला बाजार कन्नौज इत्र दुकान पर दबिश देकर प्रतिबंधित सामग्री जब्त की। बड़वानी पुलिस ने पाला बाजार में कन्नौज इत्र दुकान पर दबिश देकर प्रतिबंधात्मक ई सिगरेट जब्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार। गुरुवार दोपहर बड़वानी कोतवाली TI दिनेश सिंह कुशवाहा से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कन्नौज इत्र दुकान से प्रतिबंधात्मक ई सिगरेट जब्त कर आरोपी अशरफ को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में लिया है। रघुनाथ सिंह की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुनीत गहलोत साहब के द्वारा आगामी त्यौहार नवदुर्गा दशहरा दीपावली को देखते हुए अवैध मादक पदार्थ और नशीले पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी संदर्भ में आज मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम को जो है कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। उक्त टीम के द्वारा पाला बाजार में कन्नौज इत्र के नाम से एक दुकान संचालित करने वाले हैं अशरफ पिता मुतीर रहमान, बड़वानी के निवासी हैं। इनके द्वारा जो है अपनी दुकान पर ई सिगरेट का को रखा था बेचने के लिए, जो कि ये प्रतिबंधित है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम 2019 के तहत एवं 271 BNS के तहत जो है जब्ती के बाद जो है प्रकरण में कार्रवाई की जा रही है। इस पे अभी आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वो कहां से लेके आए हैं इसको। के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।